साइड से रखना, हाँ खैर वो डिफ्यूज होके आ जाएगा वो उसको, इसके अलावा नहीं उतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी, हो तो जाएगी लेकिन बेकलाइट बहुत ज्यादा अच्छा उपयोग नहीं हो पाएगा क्योंकि वो कट दिखेगा तो हो पाएगा, खैर कर सकते हैं लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। तो डिफ्यूजर मिले तो ऐसा तो नहीं दो तीन रिफ्लेक्टर यूज करेंगे, एक रिफ्लेक्टर से काम जाएगा उसके लिए ऑप्शन के लिए। डिफ्यूजर का और रिफ्लेक्टर का क्या फर्क पड़ता है, इसमें आपको कई बार ऐसा होता है कि आप वेडिंग में रिफ्लेक्टर यूज नहीं करते हैं, तो वेडिंग में भी रिफ्लेक्टर को आप आसानी से यूज कर सकते हैं, या फिर बैकग्राउंड सही नहीं प्लेन दीवार पर चाहता है हर फोटोग्राफर ने प्लेन दीवार पर ले लेनी मिल पाती है, तो आप रिफ्लेक्टर अगर आपके साथ रखेंगे तो इसको ब्लैक बैकग्राउंड के रूप में भी यूज कर सकते हैं, पूरा फोटो नहीं बनेगा लेकिन हाफ फोटो आपके जरूर पूरे ब्लैक बैकग्राउंड में बन सकते हैं, व्हाइट भी आप यूज कर सकते हैं व्हाइट बैकग्राउंड में बन जाएगा, और यदि आप सिल्वर बेस वाले से रखते हैं तो फ्लश फ्रंट मार के उसका रिफ्लेक्ट ग्लो जो आएगा उससे फोटोग्राफी बहुत ज्यादा अच्छी हो पाएगी। तो इस तरीके से रिफ्लेक्टर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले एक्सेसरी में मैंने आपको बताया था जो आर्ट एक्सेसरी यूज करी थी उसमें रिफ्लेक्टर आता है तो आपको रिफ्लेक्टर यूज करना चाहिए, इस तरह से रिफ्लेक्टर यूज करेंगे फायदा मिल जाएगा। उसके अलावा भी अगर बात की जाए तो बहुत सारी होती है, आधे घंटे का सेक्शन भी रहा था उनके साथ में, सभी फोटोग्राफर ने क्लिक किए थे, कुछ फोटोग्राफर मित्र जो है हमारे गावरा से आए हुए थे एसोसिएशन के थे, उसके अलावा और भी बहुत से फोटोग्राफर थे, यहाँ से इतनी संख्या है लगभग उतनी संख्या वहाँ पर भी थी, 150 पार्टिसिपेट किया था हमारे फोटोग्राफर लोगों ने, तो फायदा अच्छा मिला था, तो कुछ एक्सपीरियंस ये मेरे साथ में शेयर हो गया जिसको मैंने आपको थ्योरिकल बता दिया और प्रैक्टिकल आप सामने देख रहे हैं। इसके अलावा अभी हम जो शूट करने वाले हैं वो फ्लैश लाइट के साथ यूज करेंगे ताकि हम और उसमें एडवांटेज ले सके और समझ सके, मॉडल आ जाती है तो हमें सब्जेक्ट के रूप में कुछ मिल जाएगा तो हमें ज्यादा समझने में सुविधा मिलेगी, वैसे काफी अच्छी जगह है यहाँ पर समझने के लिए, इधर से लाइट बराबर आ रही है इधर से लाइट बराबर आ रही है तो अच्छा फोटो बन सकता है, लेकिन फ्लैश लाइट के साथ यूज करेंगे। और सबसे मेन चीज फ्लैश को बाउंस करवा के कौन कौन फोटोग्राफर फोटो खींचता है, लगभग सब, थोड़ी सी बाउंस करके 45 डिग्री पर कौन रखता है, लगभग सब फ्रंट रख के 15% 10% गलत बात है, जिसने फ्रंट यदि आपका एक ही फ्लैश है वो डिफ्यूजर में और अच्छा साइज है उसके बाद लाइट को ऊपर करने के लिए, तो ऐसा नहीं है उसमें दिया है बिल्डर हमको तो सब सब यूज करना चाहिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज करोगे आप आपको फायदा बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा, अलग अलग तरीके से फ्लैश को यूज करना आपको मैं सिखा दूंगा बता दूंगा, और आजकल मैनेज करना पड़ता है लेकिन सस्ती चीजों से भी हम अच्छा काम किस तरीके से कर सकते हैं वो आपको बता रहे हैं। ये जो दिख रहा है यहाँ पे शटर आईएसओ कम होगा, ठीक है ये हमने 100 का रख लिया, इसके अलावा आईएसओ भी आ गया लगभग लगभग, ये हमने सेट कर लिया, ये हमारे पीछे से आ गया, अब इसमें फोटो हम बराबर परफेक्ट ले सकते हैं बिना क्लिक किए हुए, ये हुआ हमारा विदाउट फ्लैश। अब इसके बाद अगर आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको फ्लैश की पावर में समझने में ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत कम फोटोग्राफर होते हैं जो एक दो पॉइंट पे यूज करते होंगे, फुल पावर पे यूज करके डिफ्यूज करना सब पसंद करते हैं कि भैया पावरफुल चले हमारा काम, तो इस प्लस पावर को समझ लोगे उसके अकॉर्डिंग आप आईएसओ को कम कर लोगे तो आपका एक फोटो में एक क्लिक में परफेक्ट फोटो बैठेगा। यस ना आप करो उसमें लाइव कौन करो नहीं नहीं लाइव से आपको खाली पिक्चर दिख जाएगी आप क्लियर आने वाली है तो आपका कम ज्यादा आईएसओ हो जाएगा उस वक्त, पूरा परफेक्ट नहीं होगा लेकिन हो जाएगा, उसको डिफॉल्ट कर लीजिए आप एक बार या रीसेट कर लीजिए कैमरे को, क्योंकि देखो कैमरे में कुछ कुछ सेटिंग है सामने पर ही टीवी पर हो पाती है, जैसे कि अभी मैंने HDMI केबल लगाई थी कि मेरे कैमरे का डिस्प्ले टीवी पर आ जाए बट यहाँ पर इनेबल नहीं हो रहा था, यहाँ पर इनेबल किया मैंने तो वहाँ डिसेबल हो गया, तो उसके लिए थोड़ी देर वेटना पड़ेगा या फिर फर्मवेयर का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, क्या आजकल कैमरों में फर्मवेयर वगैरह आ रहे हैं, ये सोल्यूशन की एक चीज़ है, नीलेश जी ने मेरे से चर्चा करी थी वो बताता आपको फ्लैश के मामले में, जैसे कि हम थोड़ी देर बाद ISO शटर स्पीड इसके ऊपर चल जाएगा तो शटर स्पीड 250 के ऊपर क्यों नहीं जा पा रही, जबकि हमने गोटोक्स प्लस लिए 4000-8000 की शटर पे काम कर सकते हैं तो क्यों नहीं आ रही, तो ये चीजें जो अपडेट है 8200 ले लो आप V1 प्लस ले लो V860 ले लो, ये अपडेटिंग प्लस है जो समय के साथ अपडेट हो जाते हैं, जैसे कि अभी कुछ कैमरे भी आ रहे हैं फुल HD मिल रहे हैं भैया, कुछ समय बाद आपको इसमें कुछ पैसा लगाना पड़ेगा और 4G भी हो जाएगा, अपडेट फर्मवेयर वगैरह जो होते हैं इनको मैजिक करना होता है, क्योंकि ये चीज एक्सटर्नल है कैमरे के साथ में नहीं आती है, प्लस हम अलग से अटैच कर रहे हैं, ये प्लस का कॉम्बिनेशन और ये प्लस कैमरे का कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए, इसमें जो फर्मवेयर है वो हमको देखना पड़ेगा कौन सा वाला है और इसमें कौन सा फर्मवेयर है, एक बार सेट हो जाए उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी चल जाएगा, बहुत से लोगों को फोटोज की लाइटिंग अटैच करने में टाइम लगता है कि ट्रिगर के साथ में क्यों नहीं हो पा रही है,
अपने सिंपेक्स के फ्लश को सभी लगभग यूज करते हैं, सिंपेक्स लाइट भी यूज करते हैं, तो उसमें वो आप चैनल दो तीन चार करके सेट कर लेते हो, हो जाता है काम तो इजी। गोटो स्कूल ज्यादा सुविधा है, 32 चैनल होते हैं उसमें, 32 एक चैनल पे सेट करने के बाद उसमें ए बी सी डी चार ग्रुप होते हैं, तो उसमें भी आप लाइटिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। वो किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ लाइट आ रही है लेकिन एक सही साइड लाइट और इधर से बराबर लाइट, इधर से बराबर लाइट, पासपोर्ट फोटो में चलती बिल्कुल फेस क्लियर आ जाएगा और हो जाएगा। लेकिन अच्छा पोर्ट्रेट बनाने के थोड़ी सी शेड चाहिए होती है और थोड़ी सी लाइट चाहिए होती है, और वो भी चाहिए कि हमारा टेक्सचर आ जाए गाल के आगे के टेक्सचर वगैरह। तो उसके लिए क्या करना होता है, इस तरफ एक लाइट लगाई हमने और इस तरफ एक लाइट लगाई हमने, ये 100% पे चल रही लाइट, इस लाइट को हमने 75% करा तो गोटोस की लाइट में हो पाया। जैसे पावर होता ना सिंपल एक्सप्रेस में कम ज्यादा, इधर का ज्यादा पावर दे दिया, इधर का कम दे दिया, तो थोड़ा शेडेड फोटो बन जाएगा, थोड़ा सा लाइट में फोटो बन जाएगा, तो फोटो ज्यादा बेटर होगा। इस तरह की दो लाइट में, तीन लाइट में, चार लाइट में, पांच पांच लाइट के साथ में काम करते हैं। जितनी ज्यादा आप लाइटिंग यूज करेंगे उतनी ज्यादा अच्छी फोटोग्राफी हो पाएगी। इसलिए गोटोस की लाइट ज्यादा चल रही है, वैसे कंपनी की भी मिलती है, निकॉन कैनन वगैरह मिलती है, लेकिन वो एक ही मिलती है तो कम लोग यूज करते हैं। जो ज्यादा अच्छी चलेगी वही यूज करना ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। और कुछ इस पे वीडियो बनाऊंगे तो आपके साथ में शेयर कर लेता हूं। बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। एक मोस्ट पॉपुलर वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल का, आप यकीन नहीं मानेंगे कितने व्यूअरशिप मिल चुकी होगी इस चैनल इस वीडियो को, जो कि एक ही वीडियो बनाया मैंने, उसके बाद सेकंड वीडियो भी बना पाया हूं। ड्रोन के ऊपर वीडियो बनाया मैंने, पेंटम 4 ड्रोन, खाली इसमें मैंने बताया कि इसमें फंकड़े कैसे लगाते हैं, मोबाइल कैसे अटैच करते हैं और उड़ाते कैसे, दो तीन शॉट नॉर्मली, जो इजीली कोई भी ड्रोन जिसने एक बार हाथ में लिया होगा उसको आता है। लेकिन इसको देखने से मुझे पता चला कितने फोटोग्राफर हमारे इस फील्ड में बिगनर है जिनको ये नहीं पता है, तो उनके लिए मुझे सुविधा देना जरूरी है कि हर तरह का मैं काम करूँ। 5.5 लाख व्यूअरशिप है इसकी, 2.5 से 3 हज़ार लोग रोज डेली देख रहे हैं इस वीडियो को, अभी भी इस वीडियो को चल ही रहा है, रुक नहीं रहा है, कुछ कुछ बूस्ट मिल जाती है तो चलता है, तो बहुत बढ़िया काम हुआ। और 18 मिनट का वीडियो बनाया, इसमें मैंने एक ही वीडियो में सारी जानकारी उनको दे दी। उसके बाद मैं वीडियो ड्रोन को बना भी पाया, क्योंकि इस वीडियो बनाने में मुझे 4 बार जाना पड़ा छूट पर। एक बार बनाया ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, दूसरी बार बनाया डिस्प्ले का रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, क्योंकि डिस्प्ले भी हमारा मोबाइल लगाना पड़ता है इसमें, उसका रिकॉर्डिंग होगा। एक और बार गया क्योंकि इसमें तीन कैमरे यूज हो रहे थे, एक ड्रोन खुद रिकॉर्ड करता है वो, एक डिस्प्ले का रिकॉर्डिंग और तीसरा जो मेरा रिकॉर्ड हो रहा सामने वो। एक बार सब मिस्टेक आई लेकिन बनाया मतलब परफेक्ट किया, जब जगह काम हुआ और चला और लगा। इसी तरीके से दोस्तों आपको परफेक्ट करने के लिए थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, हर तरीके से करोगे आपको फल जरूर मिलेगा और अच्छा मिलेगा। ये बात हम कर चुके थे, कुछ समझ में आ रहा दोस्तों इससे। ट्रेडिशनल फोटोग्राफी D750 और 7500 कैमरा निकॉन का, यह पॉपुलर कैमरे हैं दोनों कंपनी के, इसी से ट्रेडिशनल करना चाहिए ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत से दोस्त इनसे तो प्रीवेडिंग भी करके आ रहे हैं, फोटोशूट वीडियो तो नहीं हो पाता समझते हूँ, तो आप फुल फ्रेम कैमरा यूज करके आपका नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि फुल फ्रेम की कीमत लगभग नए कैमरे की बात करते हैं, पुराने की बात नहीं करते। 7500 कैमरा अभी 80,000 के ऊपर मिलेगा, नहीं मिलेगा 80 के ऊपर भी, 90 का है, एवरेज मानते हैं कि भैया 65-70 आया था तो 80 के मानते हैं, 80 भी 80,000 का नया, इसके ऊपर कौन सा मिलता है, 750 बंद हो गया, 1,40,000 और इसके ऊपर कैनन में मिलता है तो 60 Mark II वो भी 1.5 लाख के ऊपर, मतलब डबल। यदि आप ये कैमरा प्रो फ्रेम खरीद कर 50-60 हज़ार रुपये आपके एसेसरीज में लगाते हैं तो एसेसरीज आपके सारे कैमरे के साथ में काम करेगी और आपको अच्छा रिजल्ट देगी, जो हम अभी प्रूव करेंगे। 100% लोगों को पता है कि हाँ लाइटिंग सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है फोटोग्राफी के लिए, तो प्रूफ करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन एक डेमो जरूर लेंगे हम उसके ऊपर। एसेसरीज बहुत ज़्यादा काम करती है, कैमरा कम काम करता है। बेस्ट लेंस कौन सा है वेडिंग फोटोग्राफी के लिए, 18-105, 18-140, 24-105, लगभग ये रेंज में हमारा सारा काम हो जाता है ऑलराउंडर। अभी वाइड एंगल का फोटो नहीं खींचोगे शादी में चल जाएगा, एक क्लोजअप ब्लर फोटो नहीं खींचोगे चल जाएगा। ऐसे कितने फोटोग्राफर हैं जो मानते हैं कि कैंडिड फोटोग्राफी जरूरी नहीं है, वेडिंग में प्रिपरेशन ज्यादा जरूरी है, सभी मानते हैं, क्योंकि 80-90% फोटोग्राफ जो होते हैं हमारे ट्रेडिशनल लगते हैं, कैंडिड बहुत कम लगते हैं। कैंडिड एक दिखावा है, अच्छा ग्लैमर फोटो देने के लिए, अच्छा बुके इफेक्ट देने के लिए, अच्छे ब्लरिंग इफेक्ट देने के लिए, या फैमिली मेंबर्स या और कपल्स के लिए लगाने के लिए हमारा कैंडिड फोटो कैमरा काम करता है, उसको किसी प्रोग्राम से मतलब नहीं है। लेकिन ट्रेडिशनल फोटोग्राफर नहीं होगा तो काम नहीं हो पाएगा। गणेश पूजन में किसने कैंडिड किया है, 10-5% का भी कर दिया होगा तो कर दिया होगा नॉर्मल, वो भी होना तो 24-105 से होगा, 70-200 से नहीं होगा। तो आपको एक किट लेंस जो शुरू में बताया था कि 18-55 में नहीं जाना चाहिए,
1805 ले लें, आप छोटा कैमरा भी यूज कर रहे हैं 3500 भी अगर खरीदते हैं शुरुआती दौर में तो आप उसके साथ 1805 खरीद लें, ज्यादा अच्छा रहेगा, 1855 में पैसा ना बिगाड़े। उसी तरीके से कैनन में दो किट में आते हैं 1855-1855-250 ऐसे, तो उनको ना लें। J50 का मैंने डेमो बताया था आपको, रॉ फाइल शायद इसके ऊपर बात हो गई थी कि अपनी नहीं, वेडिंग फोटोग्राफी में रॉ फाइल मैंने बताया था आपको सिस्टम, वो ट्रांसफर करना, JPG इमेज बना लेना वगैरह, इसमें भी काम देता है अपने वेडिंग फोटोग्राफी में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सब फोटोग्राफर की समस्या है, थोड़ा समझेंगे इस चीज़ को। पोर्ट्रेट तीन, हल्दी के तीन, मेहंदी के तीन, माता जी के दिन तीन, पोर्ट्रेट शूट में लड़की का कर रहे हैं लड़के का कर रहे हैं, कितने फोटो लेते हो आप? एक सिंगल ग्रूम का या सिंगल ब्राइड, दूल्हा या दुल्हन के कितने फोटो खींच सकता है फोटोग्राफर? वो कितने काम में आता है हमारे वेडिंग एल्बम में? 8 फोटो 10 फोटो, इससे अगर पोज भी बना पाते होंगे, बना देंगे तो सेम बन जाता होगा। और ये समस्या आती होगी किसी वापस से, कपल कहता होगा, दूल्हा कहता होगा, भैया कुछ नया ले लो यार, तो हम कहते होते दीदी वो देख लेंगे, वो अच्छा नहीं आएगा तो ये रख लेंगे, फिर ये नहीं अच्छा आया तो वो रख लेंगे, इसलिए सब ले रहे हैं। ऐसे होता है, सबके साथ होता है ना, तो ऐसा ना हो और अपना इंप्रेशन भी खराब ना हो और ना उनको समझाना पड़े। आप मेहंदी शूट करने जा रहे हैं, गूगल सर्च कर लीजिए, सबसे बड़ी टेंशन खत्म, 4 फोटो क्लिक कीजिए, बंद कर दो, नहीं लेना, क्योंकि जबरदस्ती में ज़्यादा फोटो क्लिक करोगे तो फिर बाद में कोई समस्या आना। 3 या 4 फोटो ले लो आप, लगना वही है सीट पे, और 1-2 सीट ही बनना है। वो पता चला कि मतलब वैसे भी 1000 फोटो खींचे थे, मैं 300 फोटो का एल्बम बनवा रहा पार्टी, मतलब नहीं आ रहा, मैंने जबरदस्ती करवा ली। तो अपना थोड़ा फायदा ढूंढे और कम से कम फोटो क्लिक करें और परफेक्ट क्लिक करें। हल्दी में जो हमने फोटोशूट कर लिए हैं वो मेहंदी में ना करें, जैसे हल्दी मेहंदी के कुछ पोजेस होते हैं जो सेम होते हैं, तो आप सेम पोज यूज ना करें ताकि उनको भी लगे कि प्रोफेशनल फोटोग्राफर, इसको सब आइडिया आया, अब हम उनकी बात को काट सकते हैं, बता सकते हैं कि वो फोटो हमने उसके लिए लिया था, वो ज़्यादा परफेक्ट उसमें बनता है। और हर फोटोग्राफर हेल्दी पे फोटो वही, मेहंदी में फोटो वही, ये वाले बस चलते रहते हैं, हो जाता है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा डिवाइडेशन कर लेना है कि ये पोज मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। कुछ सिंपल पोज होते हैं वो तो लेने होते हैं ड्रेसअप बताने के लिए, फुल पोज सिंपल वगैरह, बाकी कुछ एंटिक फोटो जो होते हैं वो आप 3-3, 4-4 ही लीजिए, ताकि आपका भी मेहनत बचे, आपका टैलेंट भी बचे और सामने प्रशंसा भी हो आपकी। फीमेल फोटोज, ये समस्या पर्सनल किसी फोटोग्राफर को नहीं आती होती, लेकिन जब वो किसी को अपनी एक्सपोजिंग दे देता है, किसी से काम करवाता है, तब उसको ये समस्या बहुत आती है। क्योंकि तुम मकान का फोटो नहीं खींचा, उनके घर का है, तो फिर वो बोलता है टेंट लगाओ तो मैं क्या फोटो खींच पाया, क्या खींचता मैं, ठीक है। अब उससे पार्टी का मतलब नहीं आ रहा, लेकिन मकान का फोटो कितना इंपॉर्टेंट होता है। हर व्यक्ति का अपना पर्सनल एक मकान होता नहीं है, या फिर वो कहीं और रहता है, या फिर वो शहर तक चेंज कर लेता है कई बार। 5 साल बाद जब वो एल्बम देखेगा, वीडियो देखेगा, तो बताएगा अपने बच्चों को कि यहाँ पर रहते थे पहले, इस जगह थे, इसी कंडीशन में रहते थे, अब हमारी हालत ये है, ऐसा हो गया। इसके अलावा कलर चेंज करवा देता है मकान पर, तो देखने के लिए क्या होगा, ये होगा। तो एक मकान का फोटो होना चाहिए, कैसे बनाओ, या तो आप जब बुकिंग करने जा रहे हो घर पर तभी खींच लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कैसे कलर होना, कुछ भी हो, लाइटिंग का जरूरी, लाइट आएगी नहीं आएगी। अगर आप सिनेमाटोग्राफी कर रहे हैं, 1-1.5 लाख का प्रोग्राम लिया आपने, तो यकीन माना आप खुद बोलेंगे उनसे, सर टेंट निकलने के बाद लाइटिंग रहने देना, मेरे बाद फोटो लेना मकान का, और थोड़ा सा सीने बनाना है, एक ड्रोन शूट भी लूँगा, स्पेशल ड्रोन उड़ाने तक चाहिए आप पापा, क्योंकि आप पैसा दे रहा हुआ है। लेकिन इस काम में आप खाली एक फोटो भी ले लेंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि इसकी तारीफ खुद पार्टी नहीं करेगी, अदर जो एल्बम देखेगा ना वो करेगी, क्या फोटोग्राफर ने काम करा सही से, हमारा मकान तो फोटो नहीं आया, उसने तो लिया। मकान का फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राइड के और ग्रूम के, फैमिली मेम्बर्स ग्रुप फोटो ये होना जरूरी है। जो फ्रेंड्स लोग होते हैं ना ब्राइड के ग्रोम के, उनके साथ में 3-4 फोटो होना जरूरी है, क्यों, वही हमें दूसरा काम भी देते हैं और नेक्स्ट वेडिंग भी बुक कर दें, क्या उसमें बहुत अच्छे अच्छे पोजेस बना के दूल्हे को कभी कंधे पर उठवा के फोटो क्लिक करवा लो, 2-3 फनी पोज बनवा लो, हो जाएगा काम आपका, कोई दिक्कत नहीं। और वो फोटो डिलीट भी नहीं होते यकीन मानो आप, क्योंकि उस वक्त सबसे ज़्यादा नज़दीक दूल्हा दुल्हन के वही होते हैं, उनके दोस्ती होते हैं, और उनको काम में जो सुविधा मिलती है कि भैया इनके फोटो तो वो डिलीट नहीं कर पाता, और वो काम के लिए बात दोस्ती टूट गई हो या कुछ भी हो गया, जो भी प्रेजेंट में है वो हो जाता है काम। तो ये फोटो लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, जो आपके एल्बम के बाकी बुराइयों को दबा सकता है। ये हाउस फोटो आ गया, आई कॉन्टेक्ट फोटोग्राफी, इससे आप क्या समझेंगे, ये अपना प्री वेडिंग में भी सब टॉपिक था आई कॉन्टेक्ट फोटोग्राफी का, बताएं कोई थोड़ा बहुत, वेडिंग फोटोग्राफी की बात कर रहा हूँ इसमें, इसमें आई कॉन्टेक्ट किस तरीके से हो सकता है, या फिर इसमें हम किस तरीके से फोटोग्राफी का समझ सकते हैं कि आई कॉन्टेक्ट फोटोग्राफी किस तरह से होना चाहिए। कुछ ज़्यादा भीड़भाड़ वाला एरिया का काम, जैसे कि सगाई में, मामेरे में होता है अक्सर, और हम कहते हैं भैया इधर तो बोल दो फोटो क्लिक करना है, और लेते रहते हैं जो आ रहा है वो ले लें,
होता है ऐसा अक्सर होता है, गर्दन हिलाने से काम चलेगा दोस्तों या फिर हाथ उठाने से होता है ऐसा, तो उसके लिए आपको पार्टी से पहले बात कर लेना चाहिए जो मेन सदस्य जो बुकिंग करते समय, सर आपको फोटो किस तरह के पसंद है, आप सामने देख के फोटो क्लिक करवाना ज्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो उसको नहीं पता कि हाँ देख लिया सर जैसा होगा टाइप कर, लेकिन बात कर लेना जरूरी है ताकि उससे बात में आपकी ये नहीं कैसे ये कैसा फोटो लिया कोई सामने देख ही नहीं रहा फोटो क्लिक कर दिया, जबकि वो हमको किसने सजेस्ट किया था उस व्यक्ति ने जो वहाँ पे शादी में कोई था ही नहीं, 10 रुपए का लिफाफा देने आया था उसने कह दिया था अपन को खींचना चला आ रहा है ऐसा फोटो, अपन को समझ के नहीं और अपन को मजबूरी थी कि अपन को फोटो क्लिक करना है क्योंकि हमारी पार्टी का जो मेन सदस्य है हमारी तरफ देख रहा था कि फोटो क्लिक नहीं करना, इसलिए बात कर लेना जरूरी है सर आपको किस तरह के फोटो पसंद है ताकि हम बाद में उसको बोल सके कि भैया आपने बताया था कि आपको आई बटन वाले फोटोग्राफी पसंद है या इस तरह की, नहीं तो फिर हम क्या आप हर फोटो 2 क्लिक करते हैं वो एक तो ये देख लिया एक सामने देख के कर लो हो जाता काम, जो कि वरमाला में हम अक्सर करते हैं, वरमाला चलो ठीक है स्पेशल होता है मोमेंट तो हम 3 की जगह 6, 8, 10 क्लिक कर लेंगे चलेगा, बट ऐसे सारी प्रोग्राम में हम करेंगे तो हमारा तो डबल मेमोरी बन जाएगी, आधा तो हम खुद ही वेस्ट बना देंगे मटेरियल और फिर आधा देंगे क्या, तो ये थोड़ी सी बात कर लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। वेडिंग फोटोग्राफी के ऊपर और भी बहुत सारे हैं टॉपिक जो कि आपके जावरा एसोसिएशन में बिल बुक में बनाए हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा और कुछ मेरे एक्सपीरियंस होंगे तो वो भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा। कैंडिड एंड ट्रेडिशनल, कौन सा ऐसा फोटोग्राफर है वैसे तो मेरे ख्याल से इस टॉपिक के ऊपर एक सवाल बिल्कुल कोई भी हाथ ऊपर नहीं करेगा क्योंकि इसके बारे में शुरू में बात हो गई थी, कैंडिड भी कर लेते हैं और ट्रेडिशनल भी कर लेते हैं एक ही कैमरे से, ठीक है ना, और कुछ मेरा एक मित्र था जो वर्कशॉप में मेरे से थोड़े पहले मुलाकात हुई थी, वो बोले मतलब थोड़ा इंप्रेशन एक फोटोग्राफर दूसरे फोटोग्राफर में सामने जरूर देता है, मैं तो ये भी कर लेता हूँ वो भी कर लेता हूँ, मतलब कम तो कोई किसी को समझता ही नहीं फोटोग्राफर सब आता है मुझे तो ऐसा तो कंप्लीट भले वो आता नहीं होगा मन नहीं जानता है क्या होता क्या होता, तो सर आप यकीन माने मेरे से बड़ी उम्र थी उनकी लगभग 40 ईयर्स के होंगे और मतलब ये समझिए कि अब मैं जब फोटोग्राफी सीख रहा था चालू की थी, बड़े मित्र बड़े भैया थे वो उनके मित्र निकले वो और वो कोटा से आए थे सॉरी सूरत से आए थे कोटा के रहने वाले थे, उन्होंने मुझे बताया लखन में चर्चा करते हैं अपन वर्कशॉप करने जा रहे हैं ये वो है, तो बोले मेरे पास 750 है मैं 750 से वो छोटा फोटो निकाल लेता हूँ, उन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक करवाई देखो मेरा फोटो हाँ बढ़िया है सर कोई दिक्कत नहीं, तो 40 साल की उम्र होने के बाद हर फोटोग्राफर अच्छे फोटो क्लिक कर लेते हैं, आजकल कोई किसी से कम नहीं सब फोटो बना लेते हैं, हम चर्चा कर रहे हैं इस बारे में क्या करना सही है या नहीं, मेरी नज़र में सही नहीं है कि एक कैमरे से आप 2-3 काम करके दे दें, चाहे वो 750 था कैमरा भले चाहे मार्क फोर दोनों तीनों काम करता है, ट्रेडिशनल करने के लिए तो कोई कैमरा मना नहीं करता है, आपको कैंडिड करने के लिए बहुत अच्छा कैमरा सिनेमेटिक उससे होता है, जब स्लो मोशन कैमरे नहीं आया था तब मार्क फोर को यूज़ करते थे, ऑल इन वन कैमरा बेस्ट था मार्क फोर उसको यूज़ करते उससे बनाते थे, लेकिन एक 3 आदमी को एक पैसा देगी एक आदमी का ये बहुत बार देखा है, लेकिन एक आदमी को 3 अपना पैसा पॉसिबल नहीं है, तो उस पर थोड़ी सी बहस हुई थी उनसे मेरी, बाकी मैंने वो नहीं माने मतलब होता है ना तो वरिष्ठ हो गए तो अपनी बात नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे, बाकी वो नहीं माने तो नहीं माने वो, फिर मैंने बताया ये है सर जो भी है और उस टॉपिक को मैंने पिछले वर्कशॉप में भी रखा था, सब लोगों को अच्छा भी लगा कि सही बात है ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप रखो ना आप यकीन माने आप ट्रेडिशनल फोटोग्राफर वीडियोग्राफर भी जाते हैं, एक बंदा आजकल फ्री रहता है उनके साथ में लाइटिंग वगैरह, अभी हमारे सामान पड़े थे यहाँ पर एक बंदा चाहिए ध्यान रखने के लिए, वेडिंग में हमें काम करने में लगे होंगे वहाँ ध्यान रखेंगे वीडियो पे ध्यान रखेंगे, हमारा प्रोसेस निकल रहा है हाथों हाथ हमारा रिसेप्शन होने वाला है, लाइटिंग लगाने के लिए बंदा चाहिए सामान लगाने के लिए चाहिए, तो आप गिनती करवा होंगे कि हमारे 4 आदमी 5 आदमी काम कर रहे हैं इतना पैसा बनता है इतना आदमी आता है उनको पता चलेगा उससे जरूरी होता है ये चीज़, और ये चीज़ आपको आगे भी काम देती है, जैसे कि दिन भर काम कर रहा है वो आदमी हर आदमी चाहता है मेरा प्रोग्राम मैं खुद करूँ यार तू यहाँ खड़ा रहा तू लाइट पकड़ मैं क्लिक में करूँगा, चाहे वो भी क्लिक करना जानता है लेकिन मैं क्लिक करूँगा तो लाइट पकड़े यहाँ से कर वहाँ से कर थोड़ा बहुत हिलाएगा डुलाएगा करेगा और एडजस्टमेंट करेगा, ये काम आपको कब काम में आ सकता है जब आपका रिसेप्शन हो गया सब कुछ काम हो गया फिर रात के हैं जिसमें 2 घंटे गैप भी ले सकते पार्टी और फिर बीते भी 2 घंटे गैप ले सकते हैं, तो उस वक्त उस बंदे को आप कैमरा दे दो आप आराम करो नेक्स्ट मीटिंग में आराम पूरा एनर्जी के साथ में काम कर पाओगे, तो ऐसा करना जरूरी है आपको 1-2 बंदे रखना जरूरी है न कि 3 जनों का काम अकेले करना जरूरी है, हो जाता है काम काम में कोई दिक्कत नहीं है। बुकिंग टर्म एंड कंडीशन कुछ इस तरह की होना चाहिए जो मैंने आपके साथ में शेयर की कि फोटोग्राफर को अपने क्लाइंट से पहले बात कर लेना चाहिए, पेन ड्राइव की दिक्कत किस चीज को आती है कि पेन ड्राइव अपनी तरफ से देते हैं सब क्लाइंट को मतलब देते हैं आप अपनी तरफ से क्लाइंट को आप नहीं देते आप देते हैं ना आगे वाला देते पीछे वाला आप नहीं देते और पेन ड्राइव का तो जमाना है देखो CD-VD का तो बंद हो गया DVD का पेन ड्राइव देना है तो सबको तो पेन ड्राइव देना है
कैसे देना है लेना है ये चीजें पहले बात कर लें, क्योंकि चीज तो छोटी सी है 5000 रुपए की, पार्टी भी हमको बोलेगी छोटी सी चीज हमका आएंगे आप ही जाओ भाई मैं पैसे दे दूंगा, और गा तो गा होगा फिर वापस आना है नहीं, दे दूंगा पैसे, आप तो इतना काम कर रहे हो छोटे मोटे काम में क्या है, ला देना दे देंगे पैसे पैसे देंगे पैसे क्योंकि कमी है क्या, ऐसे करते हैं तो जबकि पैसा उस वक्त पूरा नहीं आया होगा। तो छोटी मोटी चीजें हैं जो डिस्कस कर लेना चाहिए, पेज वगैरह जो होते हैं एंटी ग्लोसी ग्लोसी नॉर्मल ग्लोसी मेडलिंग वगैरह जो भी शेयर होता है पहले कर लीजिए, या तो आप प्राइस बता दें आपके अकॉर्डिंग, जो भी बाद में पार्टी बोलती मेरे को तो ये वाला पेज चाहिए, चाहे आपका 200-500 का नुकसान हो रहा कुछ भी हो रहा है, या तो फिर आप फुल फंड पैसा लीजिए अपने लिमिट के हिसाब से और बोल दीजिए आपकी चॉइस वाला पेज बना दो जो आप बोलेंगे, ये सब भी कर सकते हैं। कवर वगैरह, कवर हमारे 400-500 रुपये से लेकर 2000-3000 तक के कवर बनते हैं रूम में, वो बोलते हैं कि हमारे तो पड़ोसी की वैसे बनना था और आप तो इसे बना के दे रहे हो मजा नहीं आ रहा, हम कहते हैं 2000 रुपये ज़्यादा लगेगा कहाँ से देगा, 1 रुपये ज़्यादा देता कोई आज तक गिफ्ट किसी को फोटोग्राफर मिला एडवांस एक्स्ट्रा एडवांटेज के लो 100 रुपये एक्स्ट्रा आपने बहुत अच्छा काम करा, सर आपकी बात अलग है मैं जानता हूँ वो आपका काम थोड़ा फैमिली वाला ही रहता है कि भैया हम जिस तरह से देते हैं, तो उस हिसाब से क्या है कि अब का जनरेशन कुछ ऐसा हो गया, अब तो कुछ काम ऐसा है कि भैया आप तो फ्लश करा के चला जाओ, कैमरा कौन सा था कैमरा कौन सा नहीं था, 6-6 महीने का फोटो तक नहीं मानती पार्टी। इसके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपको दिक्कत आती है, यहाँ पर मौजूद बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जिनको वेडिंग फोटोग्राफी करने के बाद एल्बम देने में 6 महीने लग जाते होंगे, 1 साल भी लग जाता होगा, तो किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो क्वेश्चन करना चाहूँगा आप खड़े होंगे भैया वो 6 महीने हो गए मतलब पार्टी को दिए नहीं, वो लास्ट के साथ आपका एल्बम देने के बाद हाथ वर्क नहीं आता एल्बम 3 बजे आते हो साल, आपका एक ही प्रोग्राम माइंड में रख लीजिए और बताइए कि कितने का प्रोग्राम था वो 50,000 का था ठीक है, फोटो वीडियो कैंडिड वगैरह कुछ भी नहीं था ठीक है, आपने कितना पेमेंट ले लिया था उनसे शादी खत्म होते या फिर बुकिंग होते उस समय 35,000 ले लेते, उसके बाद आपने क्या एल्बम नहीं दिया उनको वीडियो दिया कुछ भी दिया, वीडियो दे दिया एल्बम बाकी थी एल्बम के नाम के फोटो आपने दे दिए सर उनको एल्बम के फोटो नहीं दिए थे वो मांग रहे थे और आप बोल रहे थे पेमेंट दो, हाँ कुछ तो चलता है सारे फोटो तो नहीं दिए थे ना 15,000 बाकी थे मतलब आपके एल्बम के कितना शीट बना के देना था आपको एवरेज 60 शीट का चार्जेस कितना होता है नॉर्मली हम खुद भी बनाया तो 6,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ मैं और खुद पर्सनल डिजाइन करते तो सर ने 70 रुपये अच्छी से अच्छी शीट का रेट दिया है 30 रुपये लोकल अच्छी से अच्छी 60-70 रुपये में मतलब 100 रुपये भी मैंने मैक्सिमम जोड़ लिया 60-70 के हिसाब से बहुत कम होते 6,000 मान लेते हैं और आपको बाकी कितना था 15,000 रुपये नुकसान कितना हो रहा है 9,000 रुपये का है ना, तो 9,000 के लालच में हमारी पार्टी से यूँ हो गई कि भैया मैं फोटो नहीं दूंगा जब तक आप पेमेंट नहीं दोगे, आप तो यूँ भी कह रहे हो 5,000 ही दे दो बाकी 10,000 बाद में देना, लेकिन वो रह गया, या तो आप पहले से पार्टी से बुकिंग करते हैं अगले दिन को सारा डाटा दो पार्टी भी खुश अगले दिन भैया आपके मेमोरी में ही कॉपी करूँगा आपके हार्ड डिस्क में कॉपी करूँगा और वो मेमोरी में दूंगा 128 GB खरीद के लाऊंगा 256 GB खरीद के लाऊंगा, वो पैसा पहले ही सोचेगा 100 रुपये अगर मार्केट में बन रहा है तो 150 रुपये तो कम से कम लेगा तो ही वो उंगली करेगा दूसरे काम में कितनी करेगा, और आप उंगली किस लिए करोगे कि आपका खुद का काम है आपने खुद ने एक्सपोज किया हुआ तो आप बनाने में रुचि भी रखोगे और अच्छा भी बनाओगे, तो उस पार्टी से पहले बात कर लो टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से कि भैया इतना पेमेंट हमें एडवांस उसके बाद काम हो जाने के बाद थोड़ा इतना दे दीजिएगा और आपको मैं सारा डाटा अगले दिन ही कॉपी कर दूंगा आपके नाम की पेंडेंट पड़ेगी सर आप ले जाइए टेंशन खत्म, अपने को डाटा संभालना बहुत बड़ा रिस्क है, रिस्क के साथ में इश्क करने वाले को फोटोग्राफर कहते हैं सुना होगा आप सभी ने, तो ये बहुत बड़ी रिस्क है भैया, कई लोगों के नए नए मेमोरी कार्ड लगे हुए तरफ हो जाते हैं फोटो नहीं बता रहा है नए फ्रेश मेमोरी कार्ड खरीदो अक्सर फ्रेश में आते प्रॉब्लम, तो इस तरह का प्रॉब्लम लेना ही नहीं है और पार्टी को अभी के जनरेशन के हिसाब से बता रहा हूँ ये पहले नहीं होता था मैं अभी के हिसाब से आप ये कर सकते हो, अगर 6 महीने आपको लेट पेमेंट चाहिए 6,000 करना 4,000 नुकसान कर रहा ना 10,000 बाकी मैं 40,000 से पहले ले लो 35 आपने बहुत अच्छे बता दी भाई यकीन मानो 35 भी नहीं मिलते किसी को झूठ बात है 50 में से 35 कोई पॉसिबल ही नहीं मैं पार्टी दे दे बहुत मतलब गला पकड़ना पड़ता है मिलते 35,000 रुपये 20,000 रुपये दे दे वो एडवांस बहुत अच्छी बात है 5,000 बुक करना चाहते हैं जो रियलिस्टिक बातें करेंगे और अपने बीच की बातें करेंगे तो आपको थोड़ा मिलेगा वो चीज अपन थोड़ा लालच में रह जाते हैं भैया क्या लालच में रह जाते हैं और अपना ऐसा नहीं है 45,000 ले 5,000 दे दूँ बाकी दे देंगे कर देंगे फिर तो अपन जमीन बननी है 5,000 देंगे तो एल्बम देना अपन जमीन बननी है ये हो जाता है, इसलिए क्या है कि पहला थोड़ा ऐसा कम ले लो उनको भी अच्छा लगे अपन को भी अच्छा लगे ऐसा मैंने करा है और मैं ऐसा ही करता हूँ मेरे लोग मना नहीं फेवर में ये एल्बम डिजाइन डेमो वगैरह मैंने बताई दिया आपको मेरे बता दें डेमो से भी अपना अच्छा बेस्ट बता दें डेमो के ऊपर भी थोड़ी बात कर ली जाए सर ने भी रख रखा है
तो अपन सोचेंगे ऐसे फोटो तुम्हें खींचता है मेरी तो कैसे आई खेल लो यहाँ से। डेमो का मतलब बेस्ट, जो सबसे ज़्यादा अच्छा बेस्ट है। अपने जावड़ा का सबसे अच्छा रिसोर्ट कौन सा है? ये है और भी है, हाँ एक है, सब एक ही बोल रहा है। क्या नाम? क्या नाम? ठीक है, वीरेंद्र मान है ना? हाँ जो भी है एक्स वाई जेड। ठीक है, हमारे मंसूर का हर क्लास है, हम ये कह देते हैं। अब साहब आपने उसी का डेमो बना लिया और पार्टी के सामने प्रेजेंट, ये देखो मेरा काम, ये देखो मेरा काम। वहाँ पे तो हर जगह विवरण विवरण मिल रहा है, एक से एक फोटोग्राफी कर रही, 3500 चलाने वाले जोरदार फोटो खींच रहा है, देखो भैया मेरा काम। और फिर आप उस मीटिंग में गए और आप उसको उसको प्रॉपर काम नहीं दे पाए तो पार्टी का कैसा काम? उसको टर्म एंड कंडीशन रखो, आप कौन सा रिसोर्ट में शादी कर रहे हो, तो इस प्रकार से काम नहीं हो पाएगा भैया, आपको करना पड़ेगा। आप कई बार ब्राइडल का शूट कर लेते पार्लर जाके, पहले डबल कैमरा होता है सिंगल पे होता है तो आपको टाइम मिल जाता है, कई बार हो जाता है। और वही आप बता देते हो एक सीटी है उसको पसंद आ जाती, वो दुल्हन उसको फोन लगा रहे भैया आओ ना मेरे पार्लर में रेडी हो, उसको मतलब यहाँ पर तोरण पड़ रहा है, ये करे कवर के वो करे हैं, तो उसका चार्जेस कौन देगा? एक आदमी कहाँ से लाएंगे, एक कैमरा स्टार कहाँ से लाएंगे? तो ये चीज़ें टर्म एंड कंडीशन में आती है, उनके डेमो में आती है। आप जो बताएंगे उनको वो देना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपने जो डेमो में काम किया है। ऐसा नहीं कि मैं डेमो दूसरे की बात कर रहा हूँ, आपके पर्सनल डेमो की बात कर रहा हूँ, आपके अच्छे बेस्ट काम की बात कर रहा हूँ। लेकिन बेस्ट काम का वो होगा तब आपको लोकेशन अच्छी मिलेगी, आपको ब्राइडल का फेस वगैरह की बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड तो मिलेगा हम सब अच्छा, तब जाके काम कर पाएंगे आपके साथ। ये सब्जेक्ट लगभग लगभग इतना पूरा हो चुका है, और भी बहुत सारी बातें हैं, ये करेंगे तो टाइम हो जाएगा, और कुछ सब्जेक्ट पे बात कर ली जाए। क्या चर्चा हो रही है कुछ बताएं, हम भी कर लेते हैं डिस्कस पीछे। तो डिस्कस हो रहा है क्या स्पेशल बात कर लेते हैं? मॉडल मॉडल एंडी फोटोग्राफी के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ी। प्रीतेश सर ने कुछ बताया था अभी, मैं मेरी लैंग्वेज में बता रहा था, शायद आपको कुछ काम आ जाए, जिसमें एक दिन में 2000 व्यूअरशिप मिली थी, दूसरे दिन 16000 व्यूअरशिप डायरेक्ट, और तीसरे दिन 36000 व्यूअरशिप। इतना भयंकर वायरल हो गया था कैंडिड वीडियो प्रोग्राम, और कुछ भी नहीं किया था वो कैमरा, वीडियो डाल के लाया हूँ इसके अंदर। 10 टिप्स बताए थे कैंडिड फोटोग्राफी के बारे में, 10 नियम आपको फॉलो करना चाहिए जो भी कैंडिड फोटोग्राफी करता है, ऐसे बैठ के नॉर्मली बस थ्योरी कर, जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो कैंडिड फोटोग्राफी अगर मैं करता था इसलिए वो टिप्स मैं दे पाया और लोगों को अच्छी लगी, दो चार के पास में शेयर हो जाती ठीक था, लेकिन वो इतने लोगों में शेयर हुई, जरूर कुछ अच्छी चीज़ बनाई तभी शेयर हुई, नहीं तो नहीं हो पाती। मैं ISO अपर्चर सैटिस्फाइड के ऊपर भी बना दूंगा वीडियो, तो ज़्यादा व्यूअरशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि वो लगभग लगभग सब फोटोग्राफर जानते हैं, जो नहीं जानते हैं और जिसमें रुचि रखते हैं उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, जब उस बारे में बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छी व्यूअरशिप मिल सकती है। कैंडिड फोटोग्राफी ओनली 70-200 लेंस से ही करते हैं लोग, ये होगी तो ही कैंडिड फोटोग्राफर माना जाता है, या तो 50mm भी लगा लेगा हो जाएगा काम। प्रीति सर बता रहे थे कुछ कि जरूरी नहीं है आप 70-200 लेंस लगा के ही कैंडिड फोटोग्राफी कर सकते हैं, मैंने इसमें 24mm का जिक्र भी किया, इसको आप 10mm तक भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेडिंग में इसमें मैं कुछ फोटोज लेके आया था, मैंने लैपटॉप में पड़े हुए, लेकिन कनेक्ट होने में प्रॉब्लम आ रहा था, शेयर कर लेता, बात करो समझ में आ जाएगा आपको। जब हम वरमाला का वो 10 मिनट में देख लेना सर, लगा दूंगा इसमें पड़ा हुआ है, वही बात कर रहे हैं अपन सब, जो ये है मैं लाइव बता रहा हूँ आपको, वो आप 10 मिनट का सुन लेंगे बस, पर्सनल सेव कर दूंगा आपको। तो कैंडिड फोटोग्राफी में 70-200 लेंस ही मायने नहीं रखता, आपको एक किट लेंस रखना पड़ेगा साथ में, वाइड एंगल ना रखें कोई बात नहीं, वाइड एंगल तरीके से सिनेमेटोग्राफर ज़्यादा रखते हैं, लेंस का वेरिएशन देखेंगे तो लेंस की कीमतें इतनी बढ़ जाती जितनी हमारी कैमरा बॉडी नहीं होती, तो एक किट लेंस साथ में रखो, क्योंकि बिना किट लेंस के तो कोई सा कैमरा मिलता नहीं है, तो किट लेंस भी रखो साथ में, और किट लेंस के साथ में 24mm को यूज़ कर कर आप वरमाला के फोटो ज़्यादा अच्छे बना सकते हो। कैंडिड फोटोग्राफी में वरमाला के फोटो बैक साइड से किस किस ने लिए, बैक साइड से पीछे से कम, बहुत कम परसेंटेज है, 2-3-4 आप एक्सपीरियंस सर हो इसलिए आपने पीछे से लिए, बहुत से फोटोग्राफर क्या होते हैं करो ऐसे मैं पीछे से ऐसे ले लूँगा, करते ऐसे ही करते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा उचित नहीं है उस फोटो का, कोई ज़्यादा मजा थोड़ी आ रहा है उस फोटो में, जितना सिंपल वरमाला पहन के दूल्हा दुल्हन खड़े हैं उस फोटो से बेस्ट कौन सा फोटो वरमाला हो सकता है।
इसलिए कैंडिड फोटोग्राफर को कुछ भी नहीं करना चाहिए और वरमाला कराते समय किसी भी फोटोग्राफर को एक वरमाला डालने के बाद यूं बोला सामने देखो ये करो सारा मोमेंट बिखर जाता है, मजा ही नहीं आता, ऐसा लगता है वरमाला जबरदस्ती फोटोग्राफर करवा रहा है उसके फोटो के लिए। आराम से होने दो, पीछे कैंडिड फोटोग्राफर है उसको कंटिन्यू छोटा फोटो लेने दो। कई बार रिकॉर्ड्स उड़ाते हैं, कई बार पटाखे फूट रहे हैं, तो बहुत अच्छे फोटो बन सकते हैं पीछे से। मैंने बनाए थोड़ा सा, ये स्टेज है इसी टाइप का स्टेज रहता है, यहाँ वरमाला हो रही है, कपल को थोड़ा रेडी कर दो, यहाँ पे आ जाएंगे, पायरो आसपास अगर लगा रहा है तो उसको थोड़ा सजेशन दे दो कि भैया आसपास लगा, थोड़ा बीच में आए फोटोग्राफर यहाँ जगह दो, इस जगह में 50 में से भी काम ले सकता है, आपको 24 में जाना ही पड़ेगा, उसमें कोई ब्लर इफेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें कोई ब्लर इफेक्ट की जरूरत नहीं है, आप खाली फोटो ले लो ब्लैक बैकग्राउंड में ट्रैकर्स वगैरह के साथ में, इतना अल्टीमेट फोटो आएगा आपका, अगर एक फोटो में अच्छा आएगा 3-4-5 फोटो में से तो वो पूरा एक बराबर पर लग जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे मोमेंट है जिसमें आपको 24 mm की जरूरत पड़ती है, तो आप किट लेंस जरूर साथ में रखें, 70-200 लेंस से ही सारी फोटोग्राफी नहीं हो पाती है। डे लाइट में आईएसओ ऑटो मैंने बताया था शुरू में, स्टार्टिंग में ऑटो रख लेंगे तो आपका कोई से भी फोटो अंडर ओवर एक्सपोज नहीं जाएगा, थोड़ा 19-20 हो सकता है ऑटो आईएसओ, बाकी दूसरी चीजें मैनुअल, खाली ऑटो एक्सपोज अपने आईएसओ फोटो डाल दो, अच्छा अच्छी फोटोग्राफी होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सनलाइट में थोड़ी सी धूप में गए थोड़ी छाव में गए कैंडिड फोटोग्राफर को बहुत दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो वो आईएसओ रहेगा ना ऑटो तो आपका कवर अच्छे से हो जाएगा। फुल पोज लेना पड़ता है कैंडिड फोटोग्राफर को, किस किस को दिक्कत आती है फुल पोज लेने में, आती दिक्कत सर यहाँ से सब ब्लर चला जाता है, फेस वाली फोकस में सिंगल फोकस कर रहे हैं ऐसा हो जाता है, तो कैंडिड फोटोग्राफर का काम ऐसा नहीं है 2.8 पर लोग, किसी ने बोला था शायद कि 2.8 पे करके लोग कर लेते हैं हम तो कैंडिड फोटोग्राफी हो जाती है, बाकी लोग ना करें 5.6 पे भी आप 70-200 को यूज़ करेंगे तो उसका डेप्थ ऑफ फील्ड, डेप्थ ऑफ फील्ड जो होता है जूम करने के बाद जो हमें पीछे डेप्थ मिलती है उससे भी ब्लर अच्छे हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, तो 5.6 पे अगर यदि आप फुल फोटो क्लिक कर रहे हैं तो आप अपर्चर को इंक्रीज कर सकते हैं और आपकी फोटोग्राफी को बेहतर बना सकते हैं। आप 2.8 पे काम करेंगे 850 कैमरा ले लो, कैनन का 50mm IF ले लो, 100% ब्लर जाएगा आपका फोटो, चाहे आप कितने फोकस पे फोटो क्लिक कर लो या कैसे भी कर लो, फेस अच्छा आया फेस पे अगर क्लिक करा है फोकस पे ये इतना चला जाएगा, क्योंकि आगे इतना जिसकी उतनी कैपेसिटी है ना जहाँ पे फोकस किया उससे अंदर वाला 3 inch के समथिंग सही आएगा, बाकी ब्लर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप 5.6 चल जाओ ज़्यादा अच्छा रहेगा और फोटोग्राफी भी अच्छी हो जाएगी। मोनोपोड का यूज़ नहीं करते कैंडिड फोटोग्राफर, लेके घूमते आराम से, मैं ही हूँ बस यहाँ पे धूप लेके घूमने वाला, बाकी किसी के पास वो काम नहीं है जो मैं कर सकता हूँ, जबकि बेचारा ट्रेडिशनल फोटोग्राफर फोटो खींचे जा रहा है लगातार उसी की फोटो लग रहे हैं। तो आप अगर ऐसे फोटोग्राफी करोगे नए नए फोटोग्राफर भी हो और कैंडिड फोटोग्राफर डायरेक्ट हाथ पे लेके फोटो खींच रहे हो तो आपका शेक जाने के चांसेस बढ़ते हैं। मोनोपोड ले लीजिए जहाँ तक हो सकता है, क्योंकि 70-200 में पोलर रिंग हमें मिलती है बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसमें मोनोपोड लगा जैसे इस पर लगा हुआ है डेमो में देख सकते हैं आप, इसको आप पोलर रिंग को थोड़ा ढीला करके ऐसे करो ना वर्टिकल ओरिजेंटल फोटो आराम से हाथों हाथ बन जाएंगे, अगर मोनोपोड पे सिले लगा दिया यूँ नहीं हो पाएगा तो मोनोपोड में यूँ करूँगा क्या, मैं पोलर पर लगाइए आप हाथों हाथ फटाफट होगा और फोटो अच्छे आएंगे आपके, अगर लो एंगल हाई एंगल बनाएंगे उस वक्त तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन जब रनिंग मोमेंट चल रहा है और एक लेवल पर काम चल रहा है जो आदमी नीचे बैठेगा तभी हमें नीचे लो एंगल बनाना पड़ेगा, खड़ा रहेगा और हमारा लेवल पर रहेगा तो हो जाएगा, आपको दिक्कत आती होगी मेरे ख्याल से, हाइट ज़्यादा है अपनी तो थोड़ा सा झुकना पड़ता है, तो मेरे ख्याल से आप अक्सर फोटो नहीं खींचते होंगे है ना, वीडियो कर लेते होंगे क्या, मैं वीडियो कर स्टेज वगैरह पर जो भी हो फोटोज करते हो, तो फिर सर मैं आप फोटो देखना चाहूँगा एक बार एल्बम लाना आप स्टूडियो पर, भले मेरे से मत बनवाना फोटो लाना है ना, एक देखा फोटो आपने कभी जैसे गड्ढे में रहते हैं है ना, ये लेवल नहीं मिल पाता तो वो हाइट की वजह से होता है, हाई डायरेक्शन होना चाहिए इस टाइप का तो इसे फोटो बन जाएगा, अभी मेरे को भी लगता है इसे मैं ऊपर हूँ तो आप थोड़ा नीचे लग रहे, मेरे को इस तरह से देखना पड़ेगा थोड़ा अच्छा लेवल जाएगा, तो इस तरह से लेवल बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा और कैंडिड फोटोग्राफी में मोनोपोड यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा फोटोग्राफी हो पाएगा। एलईडी का यूज़ कैंडिड फोटोग्राफी में एलईडी का यूज़ कौन करता है, अब देखो फ्लश वाली बात आ गई, सर तो पहले फ्लश का बता रहे थे आप एलईडी पर आ गए हैं, तो एलईडी पर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, आपके पास एक फ्लश ले लेते हैं, वैसे तो अभी हाई स्पीड फ्लश पे भी लोग नहीं गए हैं, एक ही फ्लश लेके काम चला रहे हैं, एक से काम हो जाए, लेकिन हमें एक से दो फ्लश की भी जरूरत पड़ती है, जो भी हम डेमो देखने वाले हैं दो फ्लश से क्या फायदा होने वाला है, तीन फ्लश से क्या फायदा होने वाला है, मेरे पास भी तीन फ्लश नहीं है, मेरे पास भी एक ही है 8200 चलाता हूँ गुडोस, इससे काम हो जाता है और इसमें मैं सिम्पलेक्स भी अटैच कर लेता हूँ गुडोस में तो मेरा काम हो जाता है, एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, कोई ज़्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है।
तो एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो आपको एक इस तरह से फायदे देती है कि यदि आप आपको सेटिंग चेंज नहीं करनी है, फ्लश कम ज़्यादा नहीं करनी है, ये तो एलईडी का मैंने डेमो दिया ओनली, ये तो आपको आसानी से अपने वीडियोग्राफर मित्र के साथ में मिल जाती है। आपके पास एक ही फ्लश है तो उसका बैक में इफेक्ट के साथ में लगा दो या फिर बुक इफेक्ट बनाने काम में ले लो और फ्रंट में एलईडी दे दो, अच्छे फोटो बन जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी और जल्दी बन जाएंगे, ईजी काम हो जाएगा। और एलईडी को थोड़ा क्लोज रख के काम कर लीजिए सब्जेक्ट के ऊपर, तो उस तरीके से आप एलईडी को भी यूज़ कर सकते हैं। एलसी 500 आती है गुडोक्स की, वो बहुत ज़्यादा चल रही है, यूज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, तो उससे भी बहुत अच्छे फोटोग्राफ बना रहे हैं और इजी हो जाती है फोटोग्राफी। बार बार शटर स्पीड कम ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, लाइट आगे पीछे नहीं करना पड़ती और सामने जो रिजल्ट होता है सामने दिख जाता है। ये एक सुविधाजनक चीज़ होगी अगर आप यूज़ करना चाहें तो एलईडी का। स्पेशल मोमेंट कंटिन्यू शूट, हम कैमरा को सिंगल शॉट पे चलाते हैं अक्सर, लेकिन कोई स्पेशल मोमेंट चल रहा है तब आप कर लो कंटिन्यू शूट, कोई दिक्कत नहीं। दो चार पाँच फोटो ज़्यादा खींचेंगे लेकिन अगर मिस हो गया तो तुरंत का फोटो मिस होता होगा लोगों से, फोटोग्राफर से है आप किसी ने तुरंत का फोटो मिस करा होगा, अरे मैंने करा मिस, बताओ आप तो किस किसने करा मिस करा है क्या? हाँ तुरंत का फोटो हो गया, ये फोटो ऐसे हैं भैया कल आ जाए तो भी तुरंत का लेना जरूरी है, हम कल नहीं पाते एडिटिंग वगैरह, तो ऐसी सिचुएशन में आपको कंटिन्यू डाल लेना चाहिए। जैसे कि मैंने वर्मा का बताया कि कैंडिड फोटोग्राफ एक में जाकर कंटिन्यू शॉट पर डाल ले तो बहुत सारे मोमेंट कैप्चर हो सकते हैं, क्योंकि एक फोटो खींचने के लिए वो मेहनत इतनी कर रहा है, पीछे जा रहा है, 24mm का लेंस लगा रहा है, किट लेंस चेंज कर रहा है, तो एक ऑप्शन तो क्लिक कर लो, एक फोटो खींचेगा 7-8 फोटो खींच देगा कैमरा फटाफट, लेकिन फोटो तो अच्छा जाएगा, उसमें आपको एलईडी यूज़ करना पड़ेगा, उसमें फ्लैश लाइट काम नहीं देगी क्योंकि तीसरे क्लिक पर फ्लैश आएगी वापस से, रेडी होने में थोड़ा टाइम लगता है, और फास्ट फ्लैश भी होगी तो एक दो तो मिस कर देगी, यदि कम पावर पर चलाएगी तो भले काम हो सकता है आपका। तो इस तरह से जो स्पेशल मूवमेंट होते हैं और मिस ना हो तो इस तरीके से काम कर लेना चाहिए आपको कंटिन्यू शॉट पर लेकर। ऑफ कैमरा, ऑफ प्रोग्राम कैमरा ऑन, कौन सा फोटोग्राफर है जो साथ में अपना कैमरा ऑन ही रहता है, टेबल पर पड़ा रहता है और खाना खाता है? सब पैक कर लेते हैं आराम से, लगभग सभी पैक कर लेते हैं आराम, खाना खाए आराम से कैमरा पैक करके रख ले। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भैया आपको अगर जगह मिल रही तो एक कैमरा ऑन रहे, तो क्योंकि कोई पार्टी होती है ज़्यादा हैवी होती है, फोटोग्राफर गिनती नहीं है, भैया फोटो खींचना हम भी खाना खा रहे लो फटाफट ले लो, खाना खाते खाते उठना पड़ता है और बैग तक भी जाना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है, तो आप असिस्टेंट रखोगे ना साथ में तो वो कैमरा ऑन पड़ा रहेगा ना, तो उसको बोल देगा जा फोटो खींच के, तो भी काम हो जाएगा आपको। तो एक कैमरा ऑन रखो आपके साथ में ज़्यादा अच्छा रहेगा, और यदि बड़ी वेडिंग है तो छोटी वेडिंग में वैसे ऐसे हरकत नहीं होती है, आराम से खाना भी खाते हैं आराम से हो जाता है, लेकिन अगर बड़ी वेडिंग कर रहे हैं तो एक फोटोग्राफर तो उनको साथ में असिस्टेंट चाहिए होते हैं, ऑपरेटर चाहिए होते हैं, तो इस तरह से काम करोगे तो आपको सुविधा मिलता है। हो सकता है उसी मोमेंट पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोटो आ गया हो, क्योंकि बहुत सारे नेता तो होते हैं ये होते हैं वो प्रोग्राम में नहीं आते हैं, ऐसे समय पे आते हैं कि 5 मिनट मिल के चला जाऊँगा तो खाना आना तो खाना नहीं है, तो उस वक्त कैमरे की जरूरत पड़ती है तो कैमरा मैन नहीं मिलता, दिक्कत आ जाती है, और कैमरा मैन भी होता है तो खाना खाना छोड़ के जाना पड़ता है, तो अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता सबको, लेकिन वो उनके लिए भी स्पेशल होता है कि फोटो तो लेना पड़ेगा। बुके इफेक्ट, कैंडिड फोटोग्राफी में बुके इफेक्ट कौन कौन यूज़ करता है? खैर कैंडिड फोटोग्राफर का मैं सर आप करता हूँ 100% मुझे लग रहा है, नहीं करते करते मैं क्या करता हूँ थोड़ा बताऊँगा, ये पन्नी पड़ी नीचे डिस्पोजल की, इसको तो उठा लेता हूँ मैं, इसको हाथ में ले लेता हूँ, लेंस को फिक्स कर लेते हैं, फिर फोटोग्राफी करते हैं, इससे बुके भी बन जाता है, कुछ भी चीज़ उठा लो स्टेज पे पीछे से, ये कतरन वगैरह जो उड़ती है हमारी क्राफ्ट जो बताया मैंने वो उठा लो, उससे बुके बहुत बढ़िया बन जाता है। आप सोचो बाद में एडिटिंग कर लो नहीं होता बन जाते लगाओ भी जो काम होता, लेकिन ओरिजिनली आप डाटा अच्छा दोगे ना तो बहुत बढ़िया बनता है। बुके इफेक्ट का काम ये है कि आपने सिंगल फोकस, आपको फोकस किया यहाँ भी ब्लर पीछे भी ब्लर बीच में फोटो, कुछ कैसा भी एक्सप्रेशन हो कुछ भी हो फोटो बहुत जुड़ता रहेगा। आज यकीन मानो पार्टी अगर फोटो सेलेक्ट करने बैठेगी ना उसकी आंखें बंद वाला ऐसा फोटो दे दो आप, और यार मेरी आंखें बंद हो गई यार, वो कभी गलती निकाल फोटो बना लो फोटो खींचा, वो यूँ बोल रहे हैं मेरी आंखें बंद हो गई यार फोटो बहुत अच्छा आ रहा है यूँ बोल। तो बुके इफेक्ट का बहुत ज़्यादा माइंड करो और बहुत ज़्यादा यूज़ करो, बहुत अच्छी फोटोग्राफी होगी कैंडिड, कैंडिड स्पेशल होता है इसीलिए कि बुके इफेक्ट के साथ में फोटोग्राफी की जाए, ये लाइटिंग के साथ में भी हो सकता है, कोई से भी सामान क्राफ्टिंग वगैरह उठा लो आप, मेरे बैग में भी एक गुलाब का फूल पड़ा हुआ प्लास्टिक का, ओरिजिनल तो रखेंगे खराब हो जाए नहीं होता, 3 फोटो बन जाते हैं गुफे का, एक पीछे देख के करवा दिया हाथ में पकड़ा दिया 3 फोटो हमारे काम हो गया, काम खत्म, पार्टी खुश कपल खुश अच्छे पोज बता दिया, पढ़ा रहेगा पढ़ा रहेगा, पार्टी को बोल दो वो खुद भी ला के दे देगी, लेकिन बोलना पड़ता है। कैंडिडेट ट्रेडिशनल बताया था मैंने बीच में बात करी थी आपसे,
एक ही काम, एक ही, दोनों काम एक ही कैमरे से नहीं करना चाहिए किसी भी फोटोग्राफर को। ये 70-200 का हो गया मीटर। और बहुत सारे टॉपिक हैं। मॉडल आगे होगी खाना खा रहे हमसे ज्यादा मेहनत करने में 4 बजे बुला लो, बुला लो। क्या सेक्शन ज्यादा पड़ा है, थ्योरिकल समझना और प्रैक्टिकल करना ज्यादा बिजी रहेगा। थ्योरिकल मेरे ख्याल से आपने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ लिया होगा किस चीज को किस तरीके से काम करते हैं। यकीन मानो मुझे डबल फोटो क्लिक नहीं करना पड़ा, एक क्लिक में फोटो परफेक्ट बिठाना है किसी भी करके 19 बैठे का, लेकिन एक क्लिक में बिठेगा उतना ज्यादा ओवर एक्सपोज और अंडर एक्सपोज नहीं कर दूंगा। उसके बाद थोड़ी अच्छी क्वालिटी लाने के लिए मुझे फ्लश का सेटिंग जो है कम ज्यादा करना पड़ेगा और उसके बाद उसका डायरेक्शन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। 5-7 क्लिक करके ज्यादा नहीं करेंगे, एक फ्लश के साथ में, 2 फ्लश के साथ में, और कलर चेंज जो फ्लश बोर्ड किट का मैंने बताया था आपको उसके साथ में थोड़ी सी साइलेंट शांति बनाए रखेंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा मोमेंटम नहीं टूटेगा इस चीज से। इससे क्या होता है कि थोड़ा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है ना, तो फिर कनेक्ट होने में 1 मिनट और लग जाता है आदमी, तो थोड़ा आराम से 1 मिनट में मॉडल आ रही है कोई जल्दी नहीं करेगा, फोटो आपके साथ में शेयर किए जाएंगे, बाहर जाएंगे, मॉडल को हम 10 फीट दूर करेंगे, सभी फोटो क्लिक करेंगे। ऐसा क्लिक करोगे 10 फोटो क्लिक कर दोगे लेकिन अच्छा आया कि नहीं आया वो देखने का नहीं मिलेगा आपको। बता रहा था ना प्रीतेश सर, फोटो खींच के देखता बड़ा करता आदमी वो फोटोग्राफर नहीं है। अभी किससे बात हुई थी मेरी, फोटो मैंने क्लिक किया ना तो वो पता है कि स्टैंप बंद नहीं हुए, वो फोटो क्लिक करते हुए हमें लगे स्टैंप बंद हुई तो फोटो में बंद आई है। इतनी स्पीड हमारी कैप्चर करने की होना चाहिए, तो पूरी फ्रेम बनाएंगे पूरा अच्छे से कनेक्ट करेंगे उसके बाद फोटो क्लिक करेंगे। फोटो फ्रेम का मैं आपको थोड़ा सा गणित दे देता हूँ। हम जब फोटो क्लिक करते हैं पहले ISO सेट कर लिया हमने, ISO कम से कम करना भी हमारा ये लाइट है तो 100 का ISO कर लिया, सबके इंट्रो में 100 का ISO कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 100 का ISO करने के बाद सेकंड सेटिंग होगी हमारी आएगी अपर्चर की, अपर्चर की, अपर्चर की इसकी होगी कि हमें ब्लर इफेक्ट देना है या शार्प लेना है। जैसे कुछ मोमेंट कुछ फोटो में यही है ज़्यादा अपर्चर प्रायोरिटी भी दूंगा और कम से कम मिनिमम नंबर पे भी वो फोटो लेके देखेंगे ताकि अपर्चर का मतलब थोड़ा सा क्लियर हो जाए। इसके बाद तीसरी बारी बात आती है हमारी, यदि हमारा कैमरा लाइन ऑफ पे देखने के बाद हमें कम ज़्यादा दिखता है तो हम शटर स्पीड से कम्प्लीट करेंगे, शटर स्पीड है सभी चले जाएंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि भैया और एक्सपोज आ रहा है 250 स्पीड करने के बाद भी, तो हमारा सेकंड वापस ऑप्शन आ जाएगा अपर्चर, उस अपर्चर को फिर से बढ़ाइए तो पिक्चर को परफेक्ट एक्सपोजर मिल जाएगा, ठीक है। और यदि आप ISO सपोर्ट फ्लैश है तो आप स्पीड से काम कर लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद बात आती है हमारी कलर लेंस, वाइट लेंस में, वाइट लेंस मैंने आपको बताया 5000 के बीच में रख लीजिएगा बिल्कुल परफेक्ट फोटो आ जाएगा और सभी फोटो को अच्छे से लेना है, चाहे वो थोड़े से ब्लू आ रहे हैं तो ब्लू ले सारे ताकि अच्छा रहेगा। ताकि अब CC प्रोसेस कौन कौन करता है, प्रो CC प्रोसेस करते हैं उसमें सेटिंग सेव करते होंगे, सेटिंग सेव करते हो। यदि आप 4500 पर केल्विन पे फोटो खींच लोगे 5000 पर केल्विन के लोगे के तो क्या आपकी सेव सेटिंग काम आएगी फोटो पर, नहीं आएगी। इसलिए भले थोड़ा सा ब्लू आ रहा है थोड़ा सा येलो भी आ रहा है सारे फोटो एक जैसे लो, ताकि हमने एक बार जो सेटिंग कर ली 10 मिनट एक फोटो पे बिगाड़ दें वो डायरेक्ट सारे फोटो पे अप्लाई कर दें तो हमें डबल मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इसलिए 4500 के बीच में केल्विन रख लेंगे, ये काम हो गया हमारा। और सिंगल फोकस के ऊपर हमने बात की थी तो सिंगल फोकस हम केल्विन का रख लेंगे, उसके बाद फोटोग्राफी करेंगे कोई टेंशन नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। और थोड़े थोड़े समय में अगर हम हार्ड लाइट में आते हैं तो थोड़ा सा हमें ISO इंक्रीज करना पड़ेगा, डिस्क्रीज करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा एक्सपोजर का, इधर भी फोटो क्लिक करके देख लेंगे। कुछ फोटो में पहले डेमो के रूप में आप में से किसी को बोलूंगा क्लिक करके बताएं, जितना आप तक समझा है उसको अप्लाई करके बताएंगे, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बुला लो तक एक दिन में सब कुछ कोई नहीं सीख लेता, यदि ऐसा होता तो एक वर्कशॉप होने के बाद दूसरी नहीं होती और इतनी जल्दी नहीं होती ना ही हर शहर में होती, एक ही बार में हो जाती है। यहाँ 200 की संख्या नहीं 2000 की संख्या होती जो एक ही बार में काम हो जाता। और एक बात आपको बता दूं दोस्तों, जितना फायदा आपको ये छोटे शहर से वर्कशॉप जो होती है उसमें फायदा मिल सकता है, बड़े शहर के वर्कशॉप में और ज़्यादा चार्जेस वाली वर्कशॉप में नहीं मिलेगा आपको। छोटी छोटी बातें जो हमने करी है आज ये कोई भी नहीं बताएगा, डायरेक्ट वो हाई लेवल की बात करेंगे। हमने 200-250 की शटर स्पीड की बात करी और 2000-2500 शटर स्पीड की बात करी, बता दिया है आपको कि आपको कितना सेटिंग क्या करना है। मॉडल है मंसूर से ही है, इनका शूट मैंने यूट्यूब पर पहले करा था जो कि रिफ्लेक्टर के बारे में था, इनके लिए एक ताजा बनती है कि भैया इसने हमारा साथ दिया तो चौरा तक आया हमारे लिए तो पूरा समय दिया काफी समय से हम था। इनको हमने मेकअप भी करा है तो किस तरीके से किया है इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी आपने मिली थी और हमने फोटोग्राफी अब तक कोई अप्लाई कर रहे हैं।
अच्छी हो रही है। तो दोस्तों मैं कैमरा ले लेता हूँ साथ में, क्योंकि ऊपर बुलाऊंगा तो थोड़ी दिक्कत आएगी, मैं बता देता हूँ आपको, आप वहाँ से अप्लाई कर लेंगे। होगा तो आपको हिस्टोग्राम बता देना, हिस्टोग्राम का लेवल जो बीच में सब ऊपर होना चाहिए। तो आपको होगा नहीं हो रहा था, इलाज होगा तो ऐसा छोड़ा मैंने, अपर सर ने 5.6 ले लिया और 100 का हमने सर्टिफिकेट लिया, 100 का करेंगे तो ओवर जा सकते हैं, 100 का चेक जा सकता, तो 100 एक ठीक ठाक है। इसके बाद हमारे पिक्चर जो है ब्लू आ रही है, येलो आ रही है, तो ब्लू बनना है तो हम केबिन पे जाएंगे, केबिन क्या है हमारा 4700, तो यहाँ पर येलो सीट आ रहा है, ओरिजिनल आ रहा है, बाकी दिख रहा है वो ओरिजिनल, इन लाइटों को थोड़ी बहुत फेस मिला है, मेकअप मिला है, ओरिजिनल फोटो में सामने लगा के एक फोटो क्लिक करके देखते हैं। लेकिन इसमें मुझे पता था कि फ्रंट प्रेस करूंगा तो ज्यादा हमारा फोटो जो है लाइट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो फोटो है बिल्कुल परफेक्ट आया, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे प्लस का पावर कितना जाना है, इसलिए मैंने उसको बाउंस किया, और बाउंस और फ्रंट प्रेस और 45 डिग्री पर प्रेस देने का मतलब मैं आपको बता, एक सेम कैमरा 7500 चल रहा है आदमी, और वो पास वाला फोटोग्राफी वो चल रहा है, एक चल रहा है 5000 और एक चल रहा है 4700 तो काम हो जाता। निश्चित तौर से आपको प्लस यूज करना चाहिए, यकीन माने दो आपको फायदा मिलेगा, 100% मिलेगा, यहाँ आपको दोनों तरफ से रोशनी मिलती सन लाइट, इसलिए थोड़ा इफेक्ट आपको पता नहीं चला, बाकी प्लस होती तो बढ़िया होता था। और अभी मैंने और कितना प्लस यूज किया, यदि हम इसको फिगर के साथ यूज करेंगे तो कितना ज्यादा अच्छा दिखना सकता है, बोलते हैं तो आप यहाँ पर आप लाइव वीडियो में देख लेते हैं अच्छा आएगा, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे इसे वीडियो का आप काम करेंगे तो मजा नहीं आएगा, प्लस की मोरी में साउंड का कोई फोटो चला लूंगा फिर मैं इंटरनेट से फोटोग्राफ से मजा नहीं आएगा। यदि एक फ्लैश है हमारे पास 800 प्रो, इसके अंदर मैंने लगाया है ट्रिगर, फोटोज पे शिफ्ट कर लेते हैं और वो फोटो परफेक्ट बनाने में मदद देते हैं, यदि बना लेता है तो 2100 रुपये इनाम उसका है, मेरी तरफ से 2100 रुपये इनाम सर, नॉट पॉसिबल। उसका सॉल्यूशन मैं आपको बाद में बताऊंगा, फोटो ले लेते हैं अच्छा काम करने के लिए और अच्छी क्वालिटी देने के लिए, और सर क्वेश्चन करते रहेंगे उससे तो मुझे बहुत मजा आएगा, और काम उसके ऊपर करते रहेंगे तो और ज्यादा अच्छी क्वालिटी निकाल मैंने कर लिया। अभी मैं अपर्चर रखूंगा 5.6 के ऊपर, जो कि पीछे जो हमारे लाइट से कवर होगा और सब्जेक्ट के ऊपर गिरेगा। ओके एक फोटो क्लिक करके देते हैं, इस तरह से कैमरे को सेट कर लेता हूँ और फिर फोटो क्लिक करके दे देता हूँ, 19-20 कुछ होगा तो पावर को यहीं से एडजस्ट कर लेंगे और ज्यादा करके फोटो क्लिक कर लेंगे, काम हो जाएगा हमारा। फिलहाल मैंने केल्विन जो होता है ना कलर वही 5 से 5 4 केल्विन चेक कर लेते हैं एक बार कितना सर 4700 ठीक है किया है। फ्लैश के साथ में ऑन कैमरा फ्लैश किसका टच करता है इस तरीके से, छोटी सी वीडियो है डाल रखी है, देख सकते हैं आप, कर सकते हैं आराम से, फायदा मिलेगा उसका भी। फिलहाल यदि फोटो सिंगल फोकस पे क्लिक करूंगा तो ये ब्लर चले जाएंगे, यदि मैं फोकस करूंगा तो ये ब्लर चले जाएंगे, तो हमें लेवल बना के रखना पड़ेगा तब जाके हमारी फोटोग्राफी अच्छी होगी। आपको कहाँ लगाना है क्या हमारे हाँ वो तो समझ रहा हूँ, तो पता है आपको शॉर्ट बना लो बस। ओके यस आराम से फोटो क्लिक हो चुका है लगभग सर का रिजल्ट सब बताएंगे, मैं इसको 90% बोलूंगा 90% मैं बोलूंगा ओके यस, या एक क्लिक में 90% आ सकता है, कुछ और सर को चाहिए वो सेकंड क्लिक में नहीं आ सकता होगा क्या, क्योंकि अभी हमने फ्लैश की सेटिंग ही नहीं करी, थोड़ा और इस पर करना पड़ेगा, पावर कितना जा रहा है क्या नहीं जा रहा है वो कर लेंगे, और अभी ओनली एक फ्लैश से काम कर रहा है। यदि रिफ्लेक्टर खोल लेते हैं और इस डिफ्यूजर के सामने रिफ्लेक्टर चाहूंगा मैं ओपन करें ताकि इसका भी रिजल्ट भी मिले, मैं नहीं डेप्थ ऑफ फील्ड और पार कर पा रहा हूं, मैं अपर्चर को इंक्रीज कर पा रहा हूं, थोड़ा सा प्लीज गेम देखिए कितना हो सकता होगा पड़ेगा, उसके लिए आपके पास 18-55 हो या 55-250 कुछ भी हो, आपको फुल जूम पर काम करना है, उसके बाद फ्रेमिंग सेट करना है, उसके बाद फोटो क्लिक करना है, अभी भी मैं सेटिंग कोई भी सेटिंग करूंगा
थोड़ा वो शेडेड जो था सर को आया था वो सर सब कुछ लाना क्या है चलिए आप ट्राई तो कर रहे हो अच्छी बात है ट्राई कर लो ऊपर ऊपर सिनेमैटिक बना दो ठीक है। अब मैं ये कैसे चूज करूं कि मुझे 16 रनिंग करने के लिए एक बार और समझ लीजिए आप सब दोस्त डे लाइट में मैं फोटो का आईएसओ जो है पीछे बैकग्राउंड बहुत ज्यादा है कितना ज्यादा है मुझे अपर्चर कम करना है अपर्चर भी मैंने कर लिया बहुत ब्राइट हो गया अब मेरे साइड दिखने लग गया क्या बैकग्राउंड सही दिख रहा है दोस्तों देखो बैकग्राउंड सही दिख रहा है ना लेकिन सब्जेक्ट खराब हो रहा है सब्जेक्ट को हम ओवर करेंगे फ्लैश लाइट और हेड के बीच में डिस्टेंस पर खड़ी है आप लेंगे दोस्तों फ्लैश लाइट का थोड़ा इफेक्ट थोड़ा कम आया है पीछे छोड़ दो अगर वो अपना पिछला फोटो और इस फोटो में फर्क है 640 की स्पीड वजह से भाई साहब जा रहे हैं ओनली स्पीड और सुनो एक और हमारी कैपेसिटी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी मेरी बात सुनो 100 के आईएसओ से नीचे नहीं जा सक रहा था कैपेसिटी खत्म अपर्चर में मैं 4.0 से नीचे नहीं जा सक रहा था मेरी कैपेसिटी खत्म ऊपर भी जाता ऊपर जाता वो डार्क हो जाता ऊपर से मतलब काम करना था है ना 2.8 ऐसी बात करो ऊपर से मतलब इन द सेंस आपने शटर स्पीड पर काम नहीं किया अब तक इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है आपने शटर स्पीड 125 ही चलाया मैक्सिमम लाइटिंग का आगे पीछे अब अपन एक लाइट से काम किया इधर पर अपन नीचे रिफ्लेक्टर दे देते स्पीड भी घटे इसलिए ज्यादा फोटो क्लिक करने रखे ताकि लोगों को लगे कि 5-5 फोटो क्लिक करके तो परफेक्टली आएगा 2 मिनट यार अरे पीछे जाएगा भैया अरे पीछे जा दो कोई तो नहीं है यहाँ से ऐसे करके फोटो क्लिक करते हैं अपन सब लोग है ना लेकिन उसके लिए सेटिंग क्या रखते हैं जो आ रही कर दो नहीं इस पर सेटिंग चेंज करना पड़ेगा आपको चाहिए कि इनका फेस पेस कवर हो अच्छा और बाकी ब्लर इफेक्ट चल जाए फिलहाल इस लेंस के लिए ये फोटो नहीं है लेकिन इस पर कवर में कोशिश करेंगे तो अपर्चर सबसे पहले कम कर लेना आपको ठीक है उसके बाद बाकी चीज़ें देखना आपको आपके एक्सपोजर के हिसाब से ठीक है ऐसा करो यस हाँ करो ऊपर ऊपर फिलहाल ये कैमरे से बन नहीं पाता है लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं 4.0 का फोटो 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 लेना आपको लाइट पकड़ यस अब करो फेस फेस अप फेस अप फेस अप फोटो लगभग रेडी है कंप्लीट यदि 50 में होता तो हो जाता 50 में होता हवा नहीं आने मैम आइए आप भी आइए फोटो लेते हैं बैकग्राउंड छोड़ देना सर बैकग्राउंड छोड़िए भैया बता दो भैया पीछे से हटिएगा बैकग्राउंड एक फोटो अपन रनिंग करिए करते रहिए कंटिन्यू कंटिन्यू करते रहिए भैया पीछे फोटोग्राफर बंधु कृपया ध्यान दें सब लोग अंदर आ जाएं हम लोग स्वागत को स्टार्ट यहाँ पर हम अतिथियों का स्वागत करने जा रहे हैं
देना भैया भैया भैया। अरे सर जी इधर देना सर। ओके सर। सर इधर देखिएगा सामने। सर जी इधर देखिएगा सर जी। सर इधर। जी पाटीदार आप स्टेज पे आए, एक हमारे आज के मेंटर्स के साथ एक फोटो होगा, पीछे की तरफ सभी बोर्ड मेंबर आए और एक फोटो सेशन होगा यहाँ पर। जावरा बोर्ड के सभी मेंबर प्लीज कम ऑन द स्टेज, सभी आ जाइए। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जावरा यूनियन के सभी सदस्य यहाँ पर आए स्टेज पर। मुस्तफ यार जहाँ कहीं भी हो स्टेज पर आए। फाजी जहाँ कहीं भी हो स्टेज पर आए, जल्दी कम ऑन। अरे चाय ले जाओ सर। चाय आप पांव में रख दीजिए पास में। थोड़ा पीछे हो। रेडी सब इधर देखिएगा सामने। एक मिनट रुकना। एक मिनट वो एक एक ले रहे हो, पूरी नहीं ले रहे। आपका भी किस दूंगा। रोनक एक फोटो ले ले मोबाइल से। अरे इधर था, इधर इधर था। ये सीट लाइट चलती है, लाइट की लाइट भी चलेगी।